हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो थोड़ा हटकर होने वाला है। आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजिकल फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, बल्कि एक ऐसे बैंड के बारे में बताऊंगा जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। बहुत से लोगों को इनके लिरिक्स समझ में आए या ना आए, फिर भी लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। और इनके फैंस को BTS आर्मी के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी BTS आर्मी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। गाना सुनना हम सभी को पसंद है, ऐसे में हमने कभी ना कभी BTS का नाम जरूर सुना होगा। आजकल कोरियन पॉप आइडल्स BTS पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ये ना सिर्फ अच्छा गाते और डांस करते हैं, बल्कि दिखने में भी बेहद गुड लुकिंग और स्मार्ट है। कोरिया में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड म्यूजिकल ग्रुप्स है, लेकिन जिस ग्रुप का नशा इन दिनों लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है वो है BTS ग्रुप। इस ग्रुप में 7 यंग लड़के है जो ना सिर्फ बेहतरीन सिंगर डांसर है, बल्कि हैंडसम, एडोरेबल, अट्रैक्टिव, स्मार्ट और गुड लुकिंग भी है। फैक्ट नंबर 25, BTS 2010 में बना साउथ कोरियन बॉयज का एक बैंड जिसमें कि कुल 7 लोग हैं। इस बैंड का नाम है BTS, जिसका पूरा नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसका पूरा नाम है बैंगटन बॉयज। कभी कभी इन्हें बियॉन्ड द सीन और बुलेट प्रूफ बॉय स्कॉट्स भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 24, BTS के फैंस खुद को BTS आर्मी कहते हैं, पर इसमें आर्मी का भी पूरा नाम है और ये शायद BTS के बहुत सारे फैंस भी नहीं जानते होंगे। इसका पूरा नाम एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव मास्टर ऑफ सेरेमनीज फॉर यूथ है। फैक्ट नंबर 23, बैंड की लोकप्रियता का अंदाज हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया का पहला बैंड है जिसकी खुद की इमोजी ट्विटर पर बनी हुई है, और इन्हें 2016 में ट्विटर का गोल्डन अवार्ड भी दिया गया था। फैक्ट नंबर 22, BTS की खासियत है उनके लिरिक्स, क्योंकि ये अपने गाने को हमेशा सेंसिटिव सब्जेक्ट पर बनाना चाहते हैं, जैसे स्कूल बुलिंग, सोसाइटी में फैली बुराइयों पर, मेंटल हेल्थ समस्या, आत्महत्या और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ही इनके गाने आते हैं। अभी हाल ही में इनका एल्बम बी रिलीज हुआ है, जिसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और आधे घंटे में ही 10 लाख से ज़्यादा कॉपीज को सेल किया गया। YouTube पर इस एल्बम के गाने लाइव गोज ऑन ने 39 मिनट में ही 10 मिलियन प्लस व्यूज गेन कर लिए थे, और केवल 2 हफ्तों में ही इसके व्यूज 18 करोड़ के पार हो गए थे। फैक्ट नंबर 21, अपने डेब्यू के कुछ ही महीनों के अंदर ही ये बैंड साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया, और उसके कुछ ही महीनों के बाद ये दुनिया में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। मार्च 2016 में फोर्ब्स ने BTS को सबसे ज्यादा रीट्वीट किए जाने वाले आर्टिस्ट के रूप में लिस्ट किया। फैक्ट नंबर 20, जंगकुक ने कहा कि भविष्य में वो या तो एक डक रेस्टोरेंट का मालिक बनना चाहते हैं या एक टैटू आर्टिस्ट। फैक्ट नंबर 19, BTS ग्रुप के RM यानी कि रैप मॉन्स्टर को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है उसका रियल नेम क्या है? उनका रियल नेम है किम नाम जून। RM ने एक बार कहा कि जे होप अगर लड़की होती तो वो उसे डेट करते। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको BTS ग्रुप के भी का रियल नेम पता है? अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। भी का रियल नेम है किम टाई हियांग, जो कि एक साउथ कोरियन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्टर है। एक बार बिग हिट एंटरटेनमेंट के CEO पूरे एक साल तक भी को नहीं पहचान सके थे। फैक्ट नंबर 17, BTS की शुरुआत 2010 में ही हो गई थी, पर इन्होंने डेब्यू 2013 में किया था। फैक्ट नंबर 16, वैसे तो BTS के फैंस हर देश में है और इंडिया में भी इनके बहुत ज्यादा फैंस रहते हैं, पर इनकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता ब्राजील, तुर्की और रूस में है। फैक्ट नंबर 15, बैंड के मेंबर्स के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, क्योंकि ये केवल सिंगर नहीं है, ये काफी अच्छे डांसर भी है, और इनके डांस मूव को आप एल्बम में बखूबी देख भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 14, 2016 में जब BTS ने अपना पहला एल्बम विंग्स लॉन्च किया था, तो उससे पहले उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि वो पॉप हिस्ट्री बदलने वाले है। इनका ये के पॉप एल्बम बिलियन 200 चार्ट पर 26 नंबर पर डेब्यू हुआ, और फिर ये के पॉप हिस्ट्री का हाईएस्ट चार्टिंग एल्बम बन गया। फैक्ट नंबर 13, रैप मॉन्स्टर साउथ कोरियन बॉय ग्रुप BTS के लीडर है, और इतना ही नहीं वो साउथ कोरियन रैपर, सॉन्ग राइटर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी है। फैक्ट नंबर 12, BTS के सभी मेंबर्स काफी युवा है, मतलब कुछ की उम्र 25 के आसपास ही है, पर इतनी लोकप्रियता की वजह से उनकी कमाई भी काफी ज्यादा है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक BTS मेंबर्स का कुल नेटवर्थ 450 मिलियन डॉलर, जो कि लगभग 3028 करोड़ भारतीय पैसे के बराबर है। फैक्ट नंबर 11, BTS के सभी मेंबर्स अपने स्टाइल और फैशन के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, और इस बैंड के हर मेंबर्स के कान छिदे हुए हैं, और वो कान में इयररिंग्स भी पहनते हैं, केवल एक मेंबर्स को छोड़कर, वो है जे होप।
फैक्ट नंबर 10, जिनके उंगलियों को शायद आपने ना नोटिस किया हो लेकिन उनकी उंगली टेढ़ी है, इसकी वजह है हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी। फैक्ट नंबर 9, ग्रुप के दो मेंबर्स जिमिन और जंगकुक को ही हर कोई असली नाम से जानता है, बाकी के सभी मेंबर्स के असली नाम कम ही लोग जानते हैं क्योंकि वो लोग अपने स्टेज के नाम से ही लोकप्रिय है। फैक्ट नंबर 8, साउथ कोरिया की पहचान BTS की तरह वहाँ का शहर सोल भी है, क्योंकि ये शहर साउथ कोरिया की राजधानी और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। दुनिया के बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ के सबसे बड़े शहर सोल से ही BTS के मेंबर्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि BTS का एक भी मेंबर इस शहर से नहीं है। फैक्ट नंबर 7, आज BTS इतना ज़्यादा सक्सेस पा चुका है कि बैंड के मेंबर्स अपने छोटे शहर को छोड़कर सोल के बड़े बड़े लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, जिमिन को बैंड से निकाल दिया जाने वाला था क्योंकि सेलेक्टर्स उन्हें शायद बैंड में होने के लायक नहीं समझ रहे थे, पर भी ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया और भी की वजह से ही जिमिन को बैंड से नहीं निकाला गया और अब ये बैंड के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मेंबर्स में से एक है। फैक्ट नंबर 5, जी होप के बिना आज बैंड को लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, पर BTS के डेब्यू से पहले ही लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने बैंड को छोड़ दिया। हालांकि RM ने उन्हें बहुत समझाया कि वो बैंड को छोड़कर ना जाए, और फिर बैंड के सभी मेंबर की कोशिश के बाद जे होप वापस आ गए और बाद में बैंड का सफलतापूर्वक डेब्यू हुआ। फैक्ट नंबर 4, BTS को आज लोग जिस नाम से जानते हैं ये नहीं होने वाला था, मतलब इस बैंड का नाम BTS के अलावा दूसरा नाम रखा जा रहा था। बिग हिट एंटरटेनमेंट एजेंसी ने बिग किड्स, यंग नेशन और भी कई नामों का सुझाव दिया था, पर आखिर में बैंगटन बॉयज को ही फाइनल किया गया। फैक्ट नंबर 3, जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे सिंगर केवल सिंगिंग करते हैं, पर BTS के मेंबर्स मल्टी टैलेंटेड है। ये लोग खुद ही लिरिक्स लिखते हैं, खुद ही सिंगिंग करते हैं और खुद ही कोरियोग्राफ भी करते हैं। फैक्ट नंबर 2, BTS अब तक का इकलौता ऐसा बैंड है जिसका दूसरा एल्बम बिलबोर्ड टॉप 200 के लिस्ट में नंबर 1 पर था। फैक्ट नंबर 1, BTS को जब सफलता मिली तब दुनिया ने उनको पहचाना, पर इनके सफलता के पीछे काफ़ी मेहनत है जो किसी को पता नहीं है। ग्रुप मेंबर्स को पहले ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी सख्ती से डाइट को फॉलो करना पड़ता था, इन्हें हाई कैलोरी फूड खाना मना था। एक इंटरव्यू में RM ने बताया कि एक बार वो और भी रोड पर आइसक्रीम छुपकर खा रहे थे, तभी उन्हें एक ब्लैक कार अपनी तरफ आती दिखी। इन लोगों को लगा कि ये ब्लैक कार कंपनी के स्टाफ की है, अगर स्टाफ इन्हें आइसक्रीम खाते देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और डर के चलते इन्होंने आइसक्रीम को अपने पॉकेट में ही छुपा लिया और अपने कपड़ों को खराब कर लिया। बाद में पता चला कि वो कार कंपनी के स्टाफ की ही थी, लेकिन इन्होंने आइसक्रीम खाते हुए उनको नोटिस नहीं किया था। इसके अलावा इन्हें कभी कभी ट्रेनिंग के दौरान 3 घंटे ही सोने को मिलता था। तो ये था सक्सेस के पीछे का संघर्ष। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स में आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। BTS ग्रुप में आपका फेवरेट कौन है? ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप लोग लड़कों के बारे में साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को जानना चाहते हो तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करो, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें।